खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, कांग्रेस से दो और आरजेडी के एक विधायक ने ली मंत्री पद की शपथ। सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में विपक्ष का तांता, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह भी मंच पर दिखे। एबीपी न्यूज से शिबू सोरेन की खास बातचीत, शिबू सोरेन बोले, गठबंधन की नीतियां हेमंत ने तय की हैं, अब मैं सिर्फ आराम करता हूं। नागरिकता को लेकर चल रहे विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले, जो भारत माता की जय कहेगा वही इस देश में रहेगा। मेरठ के एसपी के पाकिस्तान जाओ वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी बोले, अगर ये सच है तो एसपी पर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरठ एसपी के बचाव में यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य बोले, एसपी ने कुछ गलत नहीं कहा, मुस्लिमों को नहीं, भारत विरोधी नारे लगाने वालों को पाकिस्तान जाने को कहा। एबीपी न्यूज से बातचीत में प्रकाश जावड़ेकर बोले, नागरिकता पर विपक्ष भ्रम फैला रहा है, दिल्ली में हुई हिंसा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का हाथ। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा बोले, नागरिकता कानून पर जो हिंसा फैली वो विपक्ष की साजिश थी, यूपी में अब शांति है। केरल के कुन्नूर में सीएए पर भिड़े राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और इतिहासकार इरफान हबीब, आरिफ बोले, हबीब ने मुझे मंच पर बोलने से रोका। नागरिकता कानून का समर्थन करने पर मायावती ने विधायक रमाबाई परिहार को पार्टी से निकाला, एमपी के पठारिया से विधायक है रमाबाई। नागरिकता पर अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, अखिलेश बोले, एनपीआर पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। लखनऊ में पुलिस पर गिरेबान पकड़ने का आरोप लगाने के बाद नरम पड़ी प्रियंका गांधी, अब बोली, अपना काम कर रही थी पुलिस। लखनऊ हिंसा में मारे गए मोहम्मद वकील के परिजनों से मिला कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल, प्रमोद कृष्णम बोले, परिवार डरा हुआ है। पीएम मोदी ने साल के आखिर में मन की बात कार्यक्रम में युवाओं पर दिया जोर, कहा, युवाओं को अराजकता से नफरत है। पीएम मोदी के मन की बात पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा बोले, मोदी ने युवाओं को अराजक क्यों कहा। जेडीयू उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर बोले, बिहार चुनाव में नीतीश ही चेहरा होंगे, 2009 के सीट बंटवारे का फॉर्मूला ही लागू होगा। बिहार के बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, बोले, विदेशी मां का बेटा देश के लिए नहीं सोच सकता। लालू के घर में सास बहू का झगड़ा जारी, बहू ऐश्वर्या ने सामान वापस थाने भेजा, राबड़ी ने ऐश्वर्या का 2 ट्रक सामान लौटाया था। फिल्म अभिनेता गोविंदा ने की यूपी के सीएम योगी से मुलाकात, गोरखपुर में बाबा गोरखनाथ के दर्शन किए, दोनों के बीच 40 मिनट चली मुलाकात।